हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट में जब हमने एंड अप किया था उसके पहले हमने रेगुलर पॉलीगन के बारे में देखा था। क्या बोला था कि अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर है, तो क्या होगा, उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, और एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें एन वर्टाइसेस होंगी। और उसमें एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा था, उसके बेसिस पे हम आज न्यूमेरिकल भी लेने वाले हैं। क्या था, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल्स कितना आता है, और इसका हमने प्रूफ भी देखा था, दैट इज एन माइनस टू इंटू पाई। ठीक है, ये तो हो गया सम ऑफ इंटरनल एंगल। फिर मैंने बोला था एक एंगल कितने के बराबर होगा, जैसे लेट्स से मेरा ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है जा रहा है, तो ये इंटरनल एंगल हुआ, तो सबका सम तो एन माइनस टू इंटू पाई है। बट वॉट अबाउट सिंगल एंगल, इफ आई टॉक अबाउट, तो सिंगल एंगल क्या होगा, टोटल कितने एन एंगल्स है ना, एन वर्टिसेस है, तो क्या करेंगे हम इसको, मैं बोलूंगा ईच एंगल, ईच एंगल इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू पाई, ये तो टोटल सारे एंगल्स का सम हो गया, और हर एक एंगल बराबर है, और ऐसे कितने एंगल है, एन एंगल है, तो एक एक एंगल कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमने कल देखा था। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके आधार पर पहले जैसे मैंने बोला इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नया चीज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्वेश्चन है इफ द साइड्स, इफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर, इफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, लिखो इफ द साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, लिख लो टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है ना, जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है दो रेगुलर पॉलीगन का 5:4, एंड द डिफरेंस ऑफ, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर इंटरनल, इंटरनल एंगल इज लेट से 6 डिग्री, 6 डिग्री, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इन बोथ द पॉलीगन, बोथ द पॉलीगन। तो पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, और मैं अब इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना, तो चलो, तो क्या उसने बोला कि दो रेगुलर पॉलीगन है और उनके साइड्स का रेशियो, टू द साइड्स ऑफ अ टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो 5:4। तो मैं मान सकता हूं लेट नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन, इन फर्स्ट पॉलीगन कितना हो गया, मैंने मान लिया लेट से 5k या 5n, मान लो जो मानना है 5k। अगर पहले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 5k है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द रेशियो ऑफ साइड इज 5:4। मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगन विल बी क्या हो जाएगा, 4k। तो साइड्स का रेशियो 5:4 मेंटेन होगा, के सम कांस्टेंट, वही हमें निकालना है। एक बार के आ गया हमारा, तो हम इसमें रख देंगे तो हमारी साइड्स आ जाएंगी, वही तो पूछा है इसने। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अब हम कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करेंगे के निकालने के लिए, ये वाला एंगल, ये वाला इंफॉर्मेशन। उसने क्या बोला है कि जो इंटरनल एंगल है ना दोनों में, उनका डिफरेंस इज 6 डिग्री। तो अब जैसे हमने पढ़ा कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन होता है, तो इंटरनल एंगल क्या होता है, एन माइनस टू इंटू पाई, ये तो सम टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय एन, दिस इज व्हाट, एक एंगल इंटरनल एंगल। तो उसने क्या बोला है, दोनों के इंटरनल एंगल का डिफरेंस इज 6 डिग्री। तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने बोला इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल फॉर फर्स्ट पॉलीगन, फर्स्ट पॉलीगन कितना होगा, क्या लिखते हैं हम, एन मतलब क्या होता है इधर हमारा नंबर ऑफ साइड्स, और पहले में कितना माना है मैंने 5k, तो क्या जाएगा 5k माइनस 2 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय एन इज टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो 5k। क्लियर है? सिमिलरली इंटरनल एंगल फॉर सेकेंड पॉलीगन क्या हो जाएगा, 4k माइनस 2, दिस इज एन माइनस 2 इंटू पाई डिवाइड बाय एन, और सेकेंड के लिए एन क्या हो जाएगा, 4k। अब हमें क्या दिया है, इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री, तो वो इक्वेशन लिख के वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर क्वेश्चन को, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, देखना
हाँ तो देखो अब इक्वेशन क्या बनी हमारी, इन दोनों का डिफरेंस है 6 डिग्री, तो मैं लिख रहा हूं इधर देखो 5k माइनस 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 5k, दिस द फर्स्ट इंटरनल एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, माइनस सेकेंड का क्या आ जाएगा 4k माइनस 2 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय 4k, दिस इज गिवन है 6 डिग्री, दिस इज गिवन है 6 डिग्री। बट इधर जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है इसमें मुझे रेडियन रखना होगा, इसमें रेडियन रखना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे पहले 6 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने के लिए या वाइस वर्सा, क्या था वो फॉर्मूला देखो इधर लिखते हैं, डिग्री मेजरमेंट अपॉन 180 इज इक्वल टू सर्कुलर मतलब रेडियन मेजरमेंट अपॉन पाई। तो मुझे इधर डिग्री दिया है तो 6 डिग्री मैं इधर रख रहा हूं 6 डिग्री, तो मेरा ये कितना आ गया 6 डिग्री अपॉन 180 क्या हो जाएगा, ये मेरा ये 1 टाइम और ये जाएगा 30 टाइम, तो सी कितना आया पाई बाय 30, पाई बाय 3 मत लिख लेना जल्दी जल्दी में, ठीक है आदत होती है पाई बाय 3 यूज टू होते हैं हम लोग, बट पाई बाय 30 है ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 30, क्लियर है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब हम क्या निकालना है बस अब के निकाल, तो सबसे पहले तो पाई 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 कैंसिल कर देते हैं, फिर देखो ये हो गया 5k माइनस 2 अपॉन 5k माइनस 4k माइनस 2 अपॉन 4k इज इक्वल टू 1 बाय 30, इज इक्वल टू 1 बाय 30 करेक्ट लिखा है। अच्छा अब क्या किया हमने, पहले k कॉमन ले लेता हूं मैं, एक कम कर दू, k कॉमन लेके इधर कॉमन लिया ये k हो गया और k को इधर भेज दिया ठीक है। अब देखो अब सेपरेट आउट करते हैं टर्म्स, तो देखो मेरा 5k अपॉन 5 क्या हो जाएगा k माइनस 2 बाय 5, तो माइनस 2 बाय 5 माइनस 4k बाय 4 इज अगेन k, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 बाय 4, देखो करेक्ट लिखे हैं कि नहीं, इज इक्वल टू k बाय 30, तो ये मेरा k से k कैंसिल, तो फाइनली क्या बना 2 बाय 4 माइनस 2 बाय 5 इज इक्वल टू k बाय 30। तो इसको अब कर लेते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 2 10 10 माइनस एक मिनट 10 माइनस 8 2 2 बाय 4 इंटू 5 इज इक्वल टू के बाय 30, और 30 को मैं इधर लेके आ रहा हूं ठीक है। तो 5 4 20 एक 2 से ये गए 10 टाइम्स और ये 0 से 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आई हमारी k इज इक्वल टू 3। अब जल्दी जल्दी मैं आंसर पर बोलना कि नंबर ऑफ साइड्स हमने, अब देखो हमने नंबर ऑफ साइड्स क्या मानी थी के टर्म्स में, फर्स्ट पॉलीगन के लिए, फर्स्ट पॉलीगन के लिए हमने क्या मानी थी 5k दिस इज द नंबर ऑफ साइड्स, ओके की वैल्यू 3 है तो कितना हो गया मतलब 15, 5 into 3 is 15, मतलब पहला पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स विल बी 15, और सेकंड में क्या हो जाएगा सेकंड पॉलीगन के लिए दैट इज 4k और वो कितना हो जाएगा 4 into 3 12, तो दिस इज माय आंसर, नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन इज 15 एंड सेकंड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इज 12, ठीक है क्लियर हुआ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो क्या था कि फॉर्मुला याद होना चाहिए पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि ये 6 डिग्री में था वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, यही दो चीज थी बाकी तो कैलकुलेशन था, आई होप समझ में आ गया होगा ठीक है। तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो, अब हम नया कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब देखो नेक्स्ट है देखना क्या लिख रहा हूं मैं, पॉलीगन से रिलेटेड अभी हमारा पॉलीगन टॉपिक चलेगा, अभी तो मैंने बोला आर्टिकल बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हो, पॉइंट के फॉर्म में लिख लो रेगुलर पॉलीगन में कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रेगुलर रेगुलर पॉलीगन ऑफ रेगुलर एन साइड एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ऐसे लिख लो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ एन साइडेड एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन फ्रॉम साइड, या फिर ऐसे बोल सकते परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट से ये मेरा पॉलीगन है, मैंने ऐसे बना लिया ठीक है ना, इतना बनाया और आगे ये जा रहा है ऐसे ठीक है, लेट से दिस इज द सेंटर, तो मैंने इसको ज्वाइन किया
ठीक है यहां तक। अब उसने देखो एक द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन फ्रॉम साइड ऑफ लेंथ ए, ऑफ लेंथ ए, ठीक है। इसका मतलब हमें दो इंफॉर्मेशन दिए कि एक तो रेगुलर पॉलीगन का जो साइड है दैट इज दिस वन, दिस इज स्मॉल ए, और एक इंफॉर्मेशन और क्या दे रखा है कि ये जो रेगुलर पॉलीगन है दैट इज ऑफ कंसिस्ट ऑफ एन साइड्स, ठीक है। तो मतलब हमारा जो आंसर है दैट शुड कम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन एंड स्मॉल ए, क्लियर है बच्चों। तो लेट्स से दिस इज द सेंटर ओ, ये मैंने ए बी मान लिया, लेट्स से दिस इज ए बी, ठीक है। अब क्या करें हम, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, ओ एम निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड, दिस वी हैव टू फाइंड। अब देखो ओ एम निकालने के लिए अब क्या करें, ये पता है कि ये जो ए एम होगा, जो हमारा ए एम होगा दिस इज ए बाई टू, क्यों ये दोनों ट्रायंगल्स कंकरेंट है, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा अब हम कौन सा फैक्ट यूज करेंगे, ये वाला एंगल, ये मैंने तुम्हें कल की क्लास में बताया था, ये एंगल कितना होता है, टोटल 2 पाई बाय एन होता है, और ये वाला एंगल कितना हो जाता है, पाई बाय एन, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब मैंने बोला इस ट्राइंगल के अंदर, देखो इस ट्राइंगल के अंदर ओ एम और ए एम को मिलाने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये ए एम और ओ एम आएगा, ऑफ कोर्स टेन थीटा। तो मैं लगा रहा हूं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए एम, ठीक है ना, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल लिख लो ओ एम ए, ठीक है ना। मैंने इस ट्राइंगल के अंदर टेन ऑफ पाई बाय एन, टेन ऑफ पाई बाय एन क्या होता है, टेन थीटा, हम इतना तो नाइन टेन में पढ़ के आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए एम, तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, बेसिस ओ एम, ओ एम। तो फाइनली हमारा इधर से क्या आ गया, ओ एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन टेन ऑफ पाई बाय एन, और मैं टेन को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, क्वाट पाई बाय एन। तो ए एम क्या है मेरा, ए एम तो हमें पता है ए बाय टू है, तो हमारा आंसर आ गया ए बाय टू, और ये टेन ऊपर जाके क्या हो गया, ये क्वाट ऑफ पाई बाय एन, क्लियर हुआ। So this is my distance of center from sides of a regular polygon in terms of side length and number of sides. Clear है बच्चों? तो इसको as a standard result हम याद रखेंगे, ठीक है ना? चलो, अब क्या करें? अब क्या करें? हम center से vertex का distance निकालते हैं। वो in terms of small a and small n, ठीक है? पहले तुम क्या करो? Video pause करके इसको अच्छे से copy करो, और अब फिर मैं इसको rub कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं उस point पे आ रहा हूँ। किस पे? देखो, मैंने क्या बोला? अभी हमने क्या निकाला? अभी हमने अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अभी हमने निकाला है ओ एम, फिगर मैं सेम रहने दे रहा हूं और इवन ये स्टेटमेंट सेम रहने दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स इंस्टेड ऑफ साइड, फ्रॉम वर्टेक्स। तो मैं एज ए सेपरेट लिख रहा है पूरा स्टेटमेंट, मैंने इधर ही चेंज कर दिया। अब हमें सेंटर का डिस्टेंस वर्टेक्स से निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड ओ ए, दिस वी हैव टू फाइंड ओ ए निकालना है। तो अगेन वही चीज यूज करूंगा, ये वाला जो एंगल है दिस इज पाई बाय एन। अब मैंने बोला इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो OA, OA है बेसिकली जो मुझे निकालना है, जो OA है और एक मिनट, हाँ ये वाली साइड मैंने बोला, ये वाली साइड और ये वाली साइड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, सो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, साइन थीटा। तो मैंने बोला साइन ऑफ पाई बाय एन, साइन ऑफ पाई बाय एन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ए एम, एंड वी नो ए एम इज साइड लेंथ का आधा, ए बाय टू। तो ये हो जाएगा, पहले तो लिख लिया ऐसे, ए एम अपॉन ओ ए, और ओ ए मुझे निकालना है, और ए एम क्या है मेरा, ए बाय टू। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, OA is equal to AM को रख दिया मैंने, AM here is a by 2 upon sine of pi by n, या तो इस फॉर्म में रहने दो या फिर हम sine को ऊपर लेके जाते हैं, sine का reciprocal क्या होता है, cosec। तो फाइनली हमारा आया OA is equal to a by 2 cosec, cosec pi by n, क्लियर है। तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अगेन हम ये याद रखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और उस रेगुलर पॉलीगन का साइड लेंथ है स्मॉल ए, सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल एन, क्लियर है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो,
और इसको कॉपी करो। अब हम इसके अंदर नया चीज देखते हैं। तो हमारी ये डिस्टेंस हो गए, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। तो लिख लो इधर एरिया ऑफ पॉलीगन, कुछ पॉइंट्स और रह जाएंगे इसमें, फिर हमारा रेगुलर पॉलीगन अभी खत्म हो जाएगा और फिर हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री और स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल जो तुम लोग अभी वेट कर रहे हो जिस चीज का, ठीक है ना, वो टाइन थीटा साइन थीटा हो जाए ना, वो सब चीज यूज की नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, और वही सेम इंफॉर्मेशन, एन साइडेड है और हर एक साइड का लेंथ स्मॉल है। तो लेट्स से मैं बना लेता हूं पहले थोड़ा सा पार्ट रेगुलर पॉलीगन का। तो लेट्स से दिस इज द पार्ट एंड दिस इज द सेंटर, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, पूरा नहीं बना रहा हूं। अब क्या किया मैंने, वही ट्राइंगल कंप्लीट किया, लेट्स से दिस सेंटर ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो मैंने ओ ए बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया, तो देखो ये ट्राइंगल मिल गया। अब मैंने बोला ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, देखो हर एक ट्राइंगल के अंदर पॉलीगन का एक साइड है और मुझे पता है कितने साइड्स होते हैं, n, तो ऐसे देयर विल बी सच n ट्राइंगल्स, n सच ट्राइंगल्स। अच्छा, ऐसे n ट्राइंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, क्लियर है। तो मैंने बोला इस ट्राइंगल का मैं एरिया लिख रहा हूं। अब एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट सी, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, लेट्स से ये हो गया मेरा हाइट, और लेट्स से इस पॉइंट को मैंने एम बोल दिया। तो मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा हमारा, हाफ इंटू बेस, बेस हियर इज ए बी, ए बी इंटू हाइट, हाइट क्या है ओ एम, क्लियर है। तो अब हम इसमें डाटा सब्सटीट्यूट कर दे, तो हाफ इंटू ए एम, ए एम मेरा क्या हो गया साइड लेंथ, वो तो गिवन है स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए इंटू ओ एम, अभी हमने निकाला इससे पहले वाले आर्टिकल में, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम साइड, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर हाइट बोल दो, वर्टेक्स से साइड लेंथ, साइड का डिस्टेंस क्या आया था, ए बाय टू कॉट पाई बाय एन, क्या आया था, ए बाय टू कॉट पाई बाय एन, क्लियर है। तो ये मेरा हो गया किसका, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो फाइनली मैं इसको क्लब करके लिख रहा हूं, ए स्क्वायर बाय फोर कॉट पाई बाय एन, ठीक है, ए स्क्वायर बाय फोर कॉट पाई बाय, बट अब मुझे तो क्या था, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन चाहिए था ना। फिर मैंने क्या बोला कि जो इसके अंदर रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितने ट्राइंगल होंगे, ऐसे जो मैंने एक निकाला जिसका एरिया ऐसे एन होंगे, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एन टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर कॉट पाई बाय एन, तो ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज एरिया ऑफ पॉलीगन इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ एंड नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर है। अब खुद सोचो मैं अगर डायरेक्टली तुम्हें ये रिजल्ट लिखवा देता तो कितना दिक्कत होती समझने में, ठीक है ना, मतलब अभी क्या कर सकते हो, तो अगर तुम्हें रिजल्ट याद भी नहीं रख पा रहे हो तो एस्केप कर सकते हो रिजल्ट, बट एटलीस्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन आता है, वैसे ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कहा कोई भरोसा नहीं ना, एग्जाम में आ तो सकता ही है, चांसेस कम है इसके, बट आ सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दिस फॉर्मूला, हम प्रोसीजर याद रखेंगे, प्रोसीजर नहीं भूलोगे कभी तुम लोग, फॉर्मूला फिर भी भूल सकते हो कभी, समझ में आया, तो इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, सम ऑफ, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में बताया था या नहीं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, नहीं बताया तो बता रहा हूं, अगर बता दिया होगा तो रिपीट हो जाएगा। तो मैंने बोला सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, तो हमें पता है, चले पहले एक बार दोबारा लिख लेते, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना आता है हमारा, एन माइनस टू इंटू पाई, इसका हमने डेरिवेशन देखा था। अब मेरे को क्या लिखना है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, अगर तुमने अगर लास्ट क्लास में नहीं बताया तो ध्यान से सुनो, और बताया है तो भी ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने बोला चलो करते हैं इसको, मैंने बोला ये रेगुलर पॉलीगन था मेरा, ठीक है। अच्छा, जब इंटरनल एंगल बोलते हैं हम, तो इंटरनल एंगल होता क्या है, ये वाला एंगल, इन एंगल्स का सम, लेट्स से ये पॉलीगन ऐसे जा रहा है, तो ये इसका सम, तो ये इंटरनल एंगल है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में। एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इस वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, क्लियर है। तो
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एक वर्टेक्स के लिए कितना होगा पूरा राउंड, दैट इज कंप्लीट 2π। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल एक वर्टेक्स पे कितना बनाएगा 2π का। मैंने बोला ये प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 2π होगा। ऐसे कितने वर्टेक्स हैं, ऐसे कितने वर्टेक्स हैं, एन वर्टेक्स है। तो मैं बोल रहा हूं एक वर्टेक्स में ये पूरा एंगल जो है वो 2π है, तो ऐसे एन वर्टेक्स है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल्स का, 2π इंटू एन। क्या बोला, सम ऑफ इंटरनल, सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल कितना होगा अभी हम इस फिगर के हिसाब से, n इंटू 2π, तो मतलब 2n π। क्लियर है। अब इंटरनल तो मुझे पता है, ये तो हमने कल भी किया था और ऊपर भी लिखा है, तो इसको रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल का एंगल का सम आ जाएगा। तो इधर मैं लिख रहा हूं फाइनली, देखो क्या हो जाएगा मेरा 2n π माइनस, देखो ये लिख रहा हूं मैं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स 2n π माइनस सम ऑफ इंटरनल एंगल, और सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या है n माइनस 2n 2π। तो फाइनली इधर से आएगा 2n π माइनस n π प्लस 2π, तो n 2n π माइनस n π इज n π प्लस 2π, और फाइनली अगेन मैं कॉमन लेके क्या लिखूंगा n प्लस 2 इंटू π। तो देखो इधर तो आया था n माइनस 2 इंटू π सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, और सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्या है n प्लस 2 इंटू π, तो इसको भी याद रखेंगे। और देख लो ऐड करके देख लो, दोनों को ऐड करोगे तो 2π और माइनस 2π कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा n π इधर से n π, तो सम कितना हो रहा है 2n π ना, उसी की मदद से तो निकाला हमने, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से कॉपी करो। अब आते हैं हम सर्कम सर्कल की और बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि ट्रायंगल के लिए तो हमें पता है कि जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, हमें अभी जनरलाइज करना है इसको। ट्रायंगल के लिए ये क्या होता है, एक तो सिनेरियो ये होता है हमारा जो हम पढ़ते हैं, और एक ये सिनेरियो होता है, ये हम 9-10 में पढ़ के आते हैं। अब मुझे इसको जनरलाइज करना है, कहने का मतलब क्या है कि देखना सुनना, इधर तो क्या है मेरा, ये सर्कम सर्कल होता है, ये इन सर्कल होता है, इतना तो पता होगा आई थिंक, ठीक है। मैंने बोला ये जो है दिस इज सर्कम सर्कल, और ये जो होता है मेरा इन सर्कल होता है, ठीक है ना, जो तीनों साइड्स को टच करता है और ये तीनों वर्टेक्स को टच करता है सर्कम सर्कल। तो अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, मैंने बोला कि लेट से एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, ये मेरा एन साइडेड है, ठीक है। इसको एक्स जो वर्ट एक काम करते, पहले सर्कल बनाते हैं, तो ज्यादा तुम लोग पहले सर्कल बनाना फिर साइड्स बनाना तो गलत नहीं होगा, सर्कल देखेगा प्रॉपरली। लेट से दिस इज माय एन साइडेड, मान लिया, हालांकि इधर 5 साइड है, मैंने मान लिया ये एन साइडेड है अंदर जो बना है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए देखना मैं क्या बोलूंगा, सर्कल इज सर्कम स्क्राइबिंग द पॉलीगन, और क्या बोल सकता हूं मैं, या तो ऐसे बोलूं कि सर्कल ने इसको सर्कम स्क्राइब कर रखा है, या फिर पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड, क्या लिख सकता हूं, पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड, वन एंड द सेम थिंग, या तो सर्कल एस्क्राइब्ड या पॉलीगन इंस्क्राइब्ड। इसका जो अपोजिट केस बनेगा, इसको लिख लेना, तो मैं इसको बिठा रहा हूं। अब उसमें क्या होगा हमारा, अब मैंने ये पहले पॉलीगन ही बनाते हैं, एक मिनट एक सेकेंड, हाँ अब मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर मेरा सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इधर क्या था, सर्कल एस्क्राइब्ड था, ऐसे भी लिख लो इसको, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द पॉलीगन, और सर्कल इज एस्क्राइब्ड, इधर मैं क्या लिखूंगा, सर्कल इज इंस्क्राइब, समझ में आ रहा है, इंस्क्राइब मतलब अंदर है, एस्क्राइब मतलब बाहर है, सर्कल इज इंस्क्राइब, या फिर मैं ऐसे उल्टा बोल लो, पॉलीगन इज एस्क्राइब, जैसे इधर पॉलीगन इंस्क्राइब बोला था, तो इधर क्या बोलेंगे, और पॉलीगन इज एस्क्राइब, समझ में आया। तो आर्टिकल है क्या बेसिकली, इसमें क्या बताना है हमें, रेडियस ऑफ दोस टू सर्कल्स, क्या बोलेंगे हम इसको, मैं बता रहा हूं कैसे आर्टिकल क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ
सर्कल सुनना इसके लिए, चलो स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं क्योंकि उसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा जो रिजल्ट ड्राइव किया है वही एक्चुअली रिजल्ट है। क्या लिख रहा हूं मैं पहले स्टेटमेंट, रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कमस्क्राइबिंग रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दी एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड लेंथ ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस निकालना है। और रेडियस बेसिकली है क्या, अभी हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था उसके हिसाब से क्या है, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस दिस इज माई ओ दिस इज माई ए, तो ये फर्दर किसके बराबर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड लेंथ ए, इट इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, ये चीज इसके बराबर है। और ये चीज हम निकाले थे, क्या थी ये, ए बाय टू कोसेक कोसेक पाई बाय एन, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। बाकी खुद की प्रैक्टिस के लिए हम कैसे करते थे, इसको ट्रायंगल कंप्लीट किया फिर ये बनाया फिर ये वाला एंगल पाई बाय एन फिर ये ए बाय टू है तो ये वाला यूज करना है मुझे तो साइन पाई बाय एन लगाओ, ठीक है ना, तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, उधर से मेरा ये ओ ए आ जाएगा, क्या आएगा ए बाय टू कोसेक पाई बाय एन, क्लियर है, समझ में आया। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब सिमिलरली बात इसकी कर लेते हैं, फिर हमारा ये एंड अप हो जाएगा, इस आर्टिकल पॉलीगन खत्म हो जाएगा, दिस इज द लास्ट वन। इसमें मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस ऑफ नहीं एक मिनट, हाँ रेडियस, चलो इसकी और लिख लेते हैं, पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम बेटर है कि इसको कॉपी कर लो, थोड़ी जगह हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा था इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, अब मैं क्या लिख रहा हूं इधर, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर पॉलीगन, इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ विथ ऑफ एन साइडेड या फिर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड लेंथ ए, तो क्या हो जाएगा ये बेसिकली इस डायग्राम के हिसाब से, ये हो गया हमारा ये डिस्टेंस, दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये है क्या बेसिकली इससे पहले वाले आर्टिकल के हिसाब से, दिस इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम साइड, लिखो इधर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम साइड, और ये तो अभी हमने निकाला था, क्या था हमारा ए बाय टू कॉट पाई बाय एन, क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। जैसे एक आध चीज और बता सकता हूं वैसे मैं इसमें, जो एग्जाम में कभी कभी पूछी गई है, दैट इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ दिस रीजन, देखो मैं शेड कर रहा हूं इस रीजन का एरिया, जो ब्लू से मैं शेड कर रहा हूं ये वाला रीजन, इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हेलो इसी में लिख लेते, अलग से सेपरेट टॉपिक नहीं, इसी के अंदर एड कर रहा हूं, मैंने कहा जो शेड किया उसका एरिया क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ पॉलीगन, लिखो इधर, चलो लिख लो इधर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगन माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और एरिया ऑफ पॉलीगन हम निकाले लिए थे, क्या आया था वो एन इंटू एन इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई बाय फोर इंटू कॉट पाई बाय एन आया था, उसमें से हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है हमारा बेसिकली, आर इज नथिंग बट ए बाय टू कॉट पाई बाय एन, ठीक है। तो इसको अगेन इतना काफी है लिखना, इधर सब्स्टिट्यूट मत करो, करना है तो यू कैन पुट इट बट डोंट मेमोराइज इट, रिजल्ट मेमोराइज ही करना है, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके तो हमारे पास बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे, कब तक याद रखेंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी जैसे अगर तुम रिजल्ट भूल भी जाते हो बीच में, कोई कंफ्यूजन होता है, कभी टू डिनोमिनेटर में था फॉर्मूले में या न्यूमरेटर में था, अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो देन एंड देयर यू कैन ट्राई ना। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है, रखोगे तो टाइम बचेगा, मैं वर्स्ट केस बता रहा हूं कि अगर तुमने याद किया ना चाहके भी, मान लो गलती से हम भूल गए एग्जाम में, तो
अगर तुम्हें डेरिवेशन पता होगा उन चीजों के तो उधर के तुम ड्राइव कर लोगे ना। मैं ये तो नहीं बोल रहा, देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम सारे फॉर्मूले भूल गए, सारे तुम ड्राइव करने लगे एग्जाम में, ऐसा भी नहीं होगा, इतना वर्स्ट केस भी नहीं होगा। अगर मान लो कुछ फॉर्मूले भूल गए तो तुम ड्राइव कर सकते हो ना। तो क्या करना होता है, हमें याद भी रखना होता है कुछ और डेरिवेशन भी याद रखना है। याद हम ज्यादा नहीं रख सकते, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हर एक फॉर्मूले को रटने बैठ गए, हर एक जो रिजल्ट आया उसको रटने बैठ गए, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस बनाना है, मतलब मिनिमम से मिनिमम हमारा कितना याद रखे, कितने फॉर्मूले याद रखे सफिशियंट हो उतने, ठीक है ना। और बाकी मैं ड्यूरिंग द लेक्चर बता ही दूंगा कि ये तुम्हें मेमोराइज करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम आते हैं एंगल मेजरमेंट में कन्वेंशन, मतलब पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल और एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो लिख लो इधर, मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वेंशन, वो हमने पढ़ा था, मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा था, रेडियन और डिग्री कैसे मेजर, दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। अब मैं इधर क्या बोल रहा हूं, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल, लिख लो इधर, मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वेंशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वेंशन। तो इसके लिए पहले हम एंगल पता होना चाहिए, एंगल क्या होता है। तो एंगल को हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो इसके लिए क्या होगा, एक एक्सिस रेफरेंस होगी हमारी। तो लेट्स से हम क्या लेते हैं, जब एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं, देखना ध्यान से। मैंने बोला दिस इज लेट्स से कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, मैंने बोला दिस इज माय रेफरेंस एक्सिस, लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये। अब मैंने बोला क्या बोला मैंने, चलो लिख लो इसको पहले, एंगल मतलब क्या हो गया सिंपल लैंग्वेज में, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया। अब मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा वर्टेक्स ओरिजिन है, ओ मान लिया इसको, और लेट्स से दिस इज अ ए, और लेट्स से मेरा ये थीटा है, थीटा है। तो मैंने क्या बोला, थीटा किसको बोलूंगा मैं, एंगल को, क्यों, क्योंकि दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट दैट इज बीइंग रोटेटेड फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इधर लिख लो कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज पॉजिटिव, फॉर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज थीटा इज नेगेटिव। दिस इज नॉट माय कन्वेंशन, दिस इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन, ठीक है ना। दिस इज अ स्टैंडर्ड कि अगर हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आई विल टेक थीटा पॉजिटिव। तो लेट से मेरा इधर मेरा ये लेट से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। तो लेट से मैंने ये बनाया ओ ए लाइन, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला OA जो लाइन है, OA जो रे है, या फिर लाइन बोल दो या फिर रे बोल दो, बेटर होगा रे बोलो क्योंकि एक पॉइंट फिक्स किया है। मैंने बोला इस रे का एंगल क्या है, तो आंसर क्या मिलेगा, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने कहा एक और रे बना लेते हैं, लेट से इधर बनाया मैंने, लेट से OB रे, फिर मैंने बोला इसका लेट से ये 70 डिग्री है। अब मैंने बोला इसका एंगल कितना है, सो वी वुड से -70, not 70. Why? Because this is my axis of reference. इसके रेफरेंस में मैंने जो रोटेट किया हमारी लाइन को, वो क्लॉकवाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज किया, of course क्लॉकवाइज। तो मैंने बोला क्या, क्लॉकवाइज में हम थीटा नेगेटिव लेंगे, तो इस रे के करस्पॉन्डिंग माई एंगल विल बी -70, not 70. तो एक बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट है। अभी देखा धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं हम और बहुत अच्छी चीजें कंक्लूड करने वाले हैं, इसलिए हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने, थीटा पहली बात तो एंगल इज व्हाट, अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, अभी तक इतना बोला, ठीक है। अच्छा अब सुनना, मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करते जाना। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला कि लेट से ये है, ओके तो लेट्स से अब मैंने बोला ये मेरा मान लो ये एंगल है, ठीक है, ये रे है OA, और लेट्स से मुझे ये एंगल दे दिया, लेट्स से ये वाला एंगल दे दिया, और मैंने मान लिया ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। फिर मैंने बोला व्हाट इज द एंगल ऑफ ए, OA का एंगल क्या है, सो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रेफरेंस, तो इसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो आई विल नॉट से 60 डिग्री,
ये 90 है, तो मैं क्या बोलूंगा OA का, अब देखना ध्यान से, अभी मैं ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, अभी एक बार स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, फिर दोनों को रिलेट करेंगे हम। मैंने बोला OA का एंगल कितना है, OA का एंगल कितना है, OA का एंगल हो गया 90 प्लस 60 दैट इज 150, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि ठीक है सर आपने लिखा 150, अब मैं क्या कर रहा हूं इसी को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा मेरा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इतना मेरा कितना होता है, ये तो पाई होता है 180 डिग्री। तो इसके हिसाब से बच्चा क्या लिखेगा, पाई प्लस 30 मतलब 180 प्लस 30 210, बट सिंस वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरा आंसर क्या लिखूंगा इसका, OA एंगल, OA के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, OA का एंगल कितना है 180 प्लस 30 210, बट मैं क्या लिखूंगा जैसे चलो लिख लेते माइनस ऑफ 180 प्लस 30 विच इज नथिंग बट -210। क्लियर है? अब कोई बोलेगा ये भी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, नहीं ये तो गलत है, एंगल बराबर नहीं है, आई कैन नॉट राइट 150 डिग्री इज इक्वल टू -210 डिग्री, ये पूरा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ना। तो फिर अब सर अभी तो हमने लिखा कि OA का एंगल ये है, OA का एंगल ये, वो करेक्ट है, तो अब समझना इसमें क्या गलती कहां है। ये करेक्ट बात है कि OA का एंगल 150 है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, OA का एंगल -210 डिग्री है -210 डिग्री वो भी करेक्ट है, बट 150 डिग्री इज इक्वल टू -210 डिग्री ये गलत है। गलत इसलिए है, हम क्या बोलेंगे कि ये OA का जो एंगल है ना वो ये भी है ये भी, इसका मतलब क्या है कि इसके इस एंगल के करस्पॉन्डिंग और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें सेम रे मिल रही है। हमने क्या बोला, दीज टू एंगल्स आर डिफरेंट बट द रे या फिर लाइन जो भी बोलना है तुम्हें इसको, करस्पॉन्डिंग टू दीज टू एंगल इज सेम। समझ में आया? तो ऐसे लिख लो, तो मैं लिखना है तो इसको क्या लिखो, दीज टू नहीं ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, लाइन या फिर रे करस्पॉन्डिंग टू, रे करस्पॉन्डिंग टू दीज टू एंगल आर सेम, और लिख लो नोट करके, दीज टू एंगल आर नॉट इक्वल। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, बट इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो रे है वो सेम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर रहे हैं इसी में, तो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका एंगल 150 है, इसका 210 है, दोनों बराबर है, ये कैसे बराबर हो सकते हैं? एंगल बराबर नहीं होते, उन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो रे है वो सेम होती है। ठीक है, चलो अब मैंने बोला देखना, अब हम देख रहे हैं एंगल्स ग्रेटर देन 360 डिग्री। देखो 360 तक तो इधर से काम चल जाएगा, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस, मुझे क्लॉकवाइज मूव करना है, और लेट्स से ये मेरा 30 डिग्री है, मैं क्या करूंगा ये पूरा ऐसे मूव करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 30 है तो ये कितना 30 मतलब ये ओवरऑल एंगल कितना आ जाएगा यहां से यहां तक, 360 में 30 घटा देता हूं तो दिस एंगल विल बी 330 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अब मेरे को वो एंगल दिखाने हैं जो 360 से ज्यादा है, उसमें क्या करेंगे, तो देखना उस चीज को मैं बता रहा हूं, उससे फिर हम एक चीज बहुत अच्छी जनरलाइज करने वाले हैं। देखना, मैंने बोला कि लेट से मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेट से ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, अब मैं इस 30 डिग्री को कैसे कैसे लिख सकता हूं, देखना मैंने बोला दिस इज रे OA, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, OA के करस्पॉन्डिंग एंगल, OA रे के, तो क्या जाएगा, एक तो 30 डिग्री, बट और भी लिख सकता हूं। कैसे, मैंने क्या किया, पहले यहां से स्टार्ट किया, देखो यहां से ब्लू से मार्क कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया, पहले गोल चक्कर लगा के यहां तक आ गया, तो मैंने कितना रोटेट करके 2π, और फिर मैं 30 डिग्री और कर गया इधर, तो मेरा क्या हो जाएगा 2π प्लस 30 डिग्री विच इज नथिंग बट 390। समझ में आया? सो अब मैं ये को अगेन क्या बोलूंगा, मैं 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 390 डिग्री,
ऑफ कोर्स दोनों बराबर नहीं है, बट इन दोनों के इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो रे है दैट इज सेम। तो अगर हमें 360 से ज्यादा एंगल आ रहा है, इसका मतलब हम एक रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं उसमें मिनिमम। अगर 720 से ज्यादा एंगल आ रहा है, इसका मतलब हम कंप्लीट दो रोटेशन से ज्यादा कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, मान लो ऐसे थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने लिखा लेट से ये एंगल है, अब मुझे इसको मेजर करना है। लेट से ये मैंने दे दिया 30 डिग्री, अगेन सेम 30 डिग्री, तो कैसे करूंगा मैं? सो बहुत तरीके हैं लिख करने के। कैसे? देखो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे छोटा तरीका, मैं ऐसे रोटेट कर दूं, यहां आ गया। तो लेट से दिस इज द फर्स्ट वे, तो फर्स्ट वे से मेरा क्या आ जाएगा? फर्स्ट तरीके से आंसर इज -30। देखना मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, या मेरे को अल्टीमेटली इस रे के ऊपर आना है। अब मैं कैसे भी आऊं, कितने भी चक्कर लगाऊं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, अल्टीमेट माय टारगेट इज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज एंड पॉइंट ऑफ माय रोटेशन। अब कैसे भी आओ तुम, मतलब यहां से स्टार्ट करके अब मैं कैसे आ सकता? अभी तो मैंने कैसे किया, ऐसे किया, इसको ऐसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज किया 30 डिग्री से, तो -30 डिग्री। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन डू, ऐसे कर सकता हूं। देखो मैंने बोला यहां से कर लेता हूं, ऐसे रोटेट किया। लेट्स से दिस इज द सेकंड मेजरमेंट, सेकंड वे ऑफ मेजरिंग द एंगल। तो क्या आ जाएगा मेरा 360 -30, तो क्या आ जाएगा इसी के करस्पॉन्डिंग, मतलब सेकंड वे ऑफ मेजरिंग क्या हो जाएगा मेरा 330 डिग्री। हमने कहा चलो और करते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक काम किया, यहां से स्टार्ट किया। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। अब मैंने कहा और तरीके से मेजर करते हैं इसको। अल्टीमेटली याद क्या रखना है तुम्हें, हमें स्टार्ट इस रे से करना है। अब मैंने क्या किया, इस रे से स्टार्ट किया। पहले मैं देखो, अब मैं पहले क्या किया, गोल चक्कर लगा के यहीं आ गया, यहां आ गया, ऐसे रोटेट किया, यहां तक आ गया। तो मैंने कितना रोटेट कर लिया, कितना रोटेट कर लिया, अभी मैं यहां आ चुका हूं 2π। बट मुझे याद आया नहीं यार, मुझे तो यहां तक रुकना था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैक ट्रेस कर लेते, उल्टा चले जाते यहां तक। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग तो मैंने 2π लिखा था, 360 यहां आ गया था, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि नहीं मुझे यहां रुकना था, तो मैं उल्टा गया, उल्टा कितना गया -30 डिग्री। तो टोटल कितना आ रहा है 330। इससे समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आई एम सेइंग कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंड इस पे करना, तुम कैसे भी करो। क्लियर है? या चलो दिस इज द वन वे, इसको डायग्राम को बना लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने कहा चलो और करते हैं, मैंने कहा और कैसे मेजर कर सकते हैं, और एक दो और देख लेते प्रैक्टिस के लिए। तो लेट्स से ये मेरा 30 डिग्री था वही। अब मैंने क्या किया, चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज। पहले मैं यहां से गया यहां तक का पूरा चक्कर लगाया, यहां तक का, तो ये मेरा हो गया -360 -2π। फिर मुझे और थोड़ा रोटेट करना है, फिर मैं यहां से यहां तक चला गया इसमें, इसी में, तो मैं यहां से यहां चला गया, तो मेरा और कितना रोटेट किया -30 और किया, तो -30। सो दिस इज इक्वल टू -390, विच इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ये करेक्ट है इस रे के करस्पॉन्डिंग। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एंगल -30 के बराबर है या फिर ये एंगल 330 के बराबर है, नहीं नहीं नहीं, इन सभी एंगल्स के करस्पॉन्डिंग आई विल गेट OA रे। क्लियर है? बहुत स्ट्रेस दे दिया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आने के पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि उसमें वो चीज यूज होगी, तो एज ए टॉपिक ही लिख लो या फिर छोटा सा ही पॉइंट है वैसे तो। देखो टाइप ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर, इससे मेरा मतलब क्या है अभी हम समझते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स देखना ध्यान से, मैंने बोला कि चलो मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से मैंने लिखा 5 25, चलो 5 10 15 20, ये किस टाइप के नंबर है, किस टाइप के नंबर है? तो मुझे आंसर मिलेगा कि ये इस टाइप के नंबर है कि अगर मैंने इनको 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 0, ऐसे लिख लो। अभी देखना मैं जंप, हम फाइनल स्टोरी क्रिएट करेंगे, पहले ये धीरे धीरे बनाएंगे उस स्टोरी को। क्या देखना, मैंने लिखा दीज आर द नंबर्स, ये भी लिखना है तुम्हें, दीज आर नंबर्स व्हेन डिवाइडेड, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल लीव रिमाइंडर 0, विल लीव रिमाइंडर, रिमाइंडर 0, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को इनको, इन नंबर्स को जनरलाइज करना है, तो मैं बोल सकता हूं ये नंबर किस टाइप के हैं, 5
n, where my n belongs to integer. चलो more precisely positive integers. Clear है? देखना ध्यान से मैं क्या क्या चीज बता रहा हूँ, इन सब चीज का यूज है, ठीक है ना. और ये जो मैं अभी चीज बता रहा हूँ इसका भी केवल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स. तो इसलिए ध्यान से सुनो. अब मैंने लिया, ये तो क्या मेरा एक सेट ऑफ नंबर्स, अब मैंने लिखा 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन. अब क्या मिलेगा मुझे, अगेन दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5. जब मैं इनको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये लिख लेना तुम, रिमाइंडर विल बी 1. रिमाइंडर विल बी 1, क्लियर है. तो मैं इसको मुझे जनरलाइज करना है इन नंबर्स को, लाइक द वे आई जनरलाइज दिस 5n. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखना ध्यान से, ध्यान से सुनना, यही था मेन चीज. 5n प्लस 1, 5n प्लस 1 रख के देख लो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ रहा है, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ रहा है, 3 रखोगे तो ये आ रहा है. सो इस टाइप के नंबर को मैं कैसे डिनोट करूंगा, 5n प्लस 1, वेयर माई n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है. चलो ये तो क्या 5 के लिए, अब एक आध और देख लेते हैं. मैंने बोला चलो अब कुछ नंबर चेंज करते हैं, मैंने लिखा, अच्छा इसी में एक और चीज बता रहा हूं. चलो देखो, मैंने बोला पहले थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूं. मैंने लिखा 7, 14, 21 एंड सो ऑन. ये कौन से नंबर है, किस टाइप के नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल गिव द रिमाइंडर 0. लिख लेना तुम लोग, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 0. तो इनको मैं जनरलाइज कैसे लिखूंगा, 7n, ठीक है. इसी में मैं क्या कर रहा हूं, हर एक नंबर में 1 1 ऐड कर रहा हूं, तो 8, 15, 22 एंड सो ऑन. अब मैं क्या बोलूंगा, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल लीव्स द रिमाइंडर 1. तो मैं इसको अब जनरलाइज कैसे लिखूंगा, 7n प्लस 1. ये डिनोट करेगा कि किस से डिवाइड हो रहा है, और ये जो बचेगा कॉन्स्टेंट दैट विल बी द रिमाइंडर. ऐसे मैं जनरलाइज कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा लेट से 4n प्लस 3, उल्टा जा रहा है. देखो अब मेरे को इस टाइप के नंबर दे दिए, अब मैं इससे क्या प्रिडिक्ट करूंगा, देखना ध्यान से, इससे क्या प्रिडिक्ट करूंगा, उल्टा कर रहा हूं. अभी तक तो क्या कर रहा था, मैं नंबर ले रहा था फिर मैं जनरलाइज लिख रहा था उसका, अब मैंने जनरलाइज लिख दिया, अब मैं इससे स्टेटमेंट लिख रहा हूं. देखना क्या लिख रहा हूं, दीज आर द नंबर्स, पहले तो मैंने नंबर लिख लिया एक बार के लिए, एन के वैल्यू 1 लिखी तो 7 आया, 2 लिखी तो 8 प्लस 3, 11, फिर 15 एंड सो ऑन. अब मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में, दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4. ये डिनोट करेगा डिवाइड 4 से कर रहे हैं, और ये क्या करेगा, रिमाइंडर विल लीव्स रिमाइंडर थ्री. आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है. अच्छा एक और कर रहे हैं हम, थोड़ा जब तक थोड़ा सा और मन में बैठ जाए थोड़ा और करेंगे, फिर मैं एक और चीज बताऊंगा इसी के अंदर. देखना मैंने बोला लेट्स से, अब मैंने तुम्हें ऐसे लिखा 4n प्लस 2, तो अगेन क्या बोलूंगा मैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर विल बी टू 4 से डिवाइड करने पे, ठीक है ना. लिखना है तो लिख लो इसको, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर विल बी 2. ये हो गया हमारा. अब सुनना, फिर मैंने लिखा 4n प्लस 1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अभी देखना इंपॉर्टेंट चीज पे कंक्लूड कर रहा हूं. फिर मैंने क्या लिखा, 4n प्लस 1 किस टाइप के नंबर्स हैं जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर विल बी वन, ठीक है. अच्छा अब देखना ध्यान से, अब मैंने तुम्हें बोला 4n प्लस 5, टेल मी दिस. तो अब मैं डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि 4 ये वो नंबर्स हैं जिनको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 5. नहीं, अगर हम किसी नंबर को रिमाइंडर 4 से डिवाइड करते तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर, 0, 1, 2, 3. अगर 5 रिमाइंडर बोल ही नहीं सकते ना, जैसे मैंने बोला कि किसी नंबर को मैंने डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 0, 1, 2, 3, 4. 5 नहीं बच सकता, अगर 5 बच रहा होगा तो दोबारा कैंसिल हो जाएगा ना. तो कहने का मतलब, अगर मैंने ऐसे लिखा दीज आर नंबर्स when divided by
फोर विल लीव्स, विल लीव्स रिमाइंडर, विल लीव्स रिमाइंडर एज फाइव, तो गलत हो जाएगा, फाइव रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि फोर से डिवाइड करेंगे, तो लिख लो इधर, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय फोर रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है, जीरो वन टू थ्री, तो मतलब गलत है। तो अब क्या करें हम, ऐसा भी नहीं है नंबर गलत है, नंबर्स नहीं है, नंबर्स तो है, जैसे n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, n की वैल्यू 2 रखो तो क्या आएगा 13, फिर आएगा 17, तो ये तो नंबर कैसे हैं, एक्चुअली देखा जाए ये तो वो नंबर्स हैं जिनको मैंने, देखना ध्यान से, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 13 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 17 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में अभी जो लिखा है उसमें तो हमें एक्चुअली लग रहा है 5 है, और 5 तो हो नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म चेंज करेंगे, देखना ध्यान से क्या लिखा हूं मैं, ध्यान से सुनो, मैंने लिखा 4n प्लस 4 प्लस 1, ऐसा करने पे क्या हो गया, मेरा ऐसा लिखा हो गया 4 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1, अब ये n प्लस 1, अगर n इंटीजर है तो n प्लस 1 भी इंटीजर है, तो मैं इसको k बोल सकता हूं, सो दिस इज नथिंग बट 4k प्लस 1, अब करेक्ट फॉर्म में आ गया मेरा, अब मैं इधर से क्लियर बोल सकता हूं, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 विल लीव रिमाइंडर 1, समझ में आया, तो जब भी हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ना, जैसे ए एन प्लस बी, तो बी को हमें, बी को हमें क्या बनाना है, अगर ये ए एन लिखा है तो लेट्स, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 5n प्लस अल्फा, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऐसे लिख लो, इस अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, दैट्स इट, इससे अलावा नहीं, तो इसमें होगी, इसमें से होगी तभी हम बोलेंगे कि अल्फा विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, वो इससे क्लियर हो गया होगा, समझ में आया, तो इसलिए मैंने बिल्डअप किया धीरे धीरे तुम लोगों को, वो शुरू से बताना चाह रहा चालू किया, डायरेक्टली मैं ऐसे बोलता ना 4n प्लस 5 तो तुम्हें क्लियर नहीं होता, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा बिल्डअप करना पड़ा। अब एक और चीज छोटी सी और है गई इसमें, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, पहले इसका और एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे दूसरे, इसी पे दूसरा पॉइंट, मैंने बोला इसी का थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखा 5n प्लस 8, तो अगेन मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल लीव द रिमाइंडर 8, मैंने क्या बोला अभी, रिमाइंडर अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या करूं मैं, इसमें से 5 निकाल के पहले इसको दे देता हूं, मैं इसमें से क्या करूंगा 5 5 इसको निकाल के यहां से यहां ट्रांसफर करता रहूंगा, कब तक, जब तक ये वैल्यू मेरी 0 से 4 के बीच में ना आ जाए, तो मैंने 1 5 निकाल के इसको दिया 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5n प्लस 5 और मेरा इधर क्या बचा 8 की जगह 3, अब करेक्ट है, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो बोलूंगा 5 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 3 और इसको लिखूंगा 5k प्लस 3, और ये मेरा क्या हो जाएगा, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल लीव्स द रिमाइंडर 3, क्लियर हुआ बच्चों, बहुत मजेदार चीजें हैं ये, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत यूजफुल है। अब देखना, अब मैंने बोला और थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें जो एग्जांपल दिया उसी के आधार पे 5n प्लस लेट्स से 14, अगेन मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल गिव्स रिमाइंडर 14, क्या करूं मैंने अभी क्या बोला तुम लोगों को, इसमें से 5 5 निकाल के इसको देते जाओ, तो 2 बार 5 दे देता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, दिस नंबर, ये जो नंबर है दैट शुड लाई बिटवीन 0 से 4, तो मैंने क्या लिखा 5n प्लस इस 14 को ऐसे लिख लिया 10 प्लस 4, इसको इसके साथ क्लब कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5n 5 टाइम्स n प्लस 2 प्लस 4, और जो हो जाएगा 5, इसको n प्लस 2 का एक नया इंटीजर के बोल दिया प्लस 5 प्लस 4 सॉरी, अब करेक्ट होगा 5k प्लस 4 किस टाइप के नंबर्स है, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल गिव्स रिमाइंडर 4, सफिशिएंट हो गया। अच्छा अब थोड़ा नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करते जाना, लगे जो मैं रब करते जा रहा हूं, बीच में बोल नहीं रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि कॉपी नहीं करना है, हर एक चीज कॉपी करनी है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं आता हूं इस पे, देखना मैंने लिखा 5n माइनस लेट्स से 2, अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स पे, ठीक है, नेगेटिव ये और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम एंड अप करेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, 5n माइनस 2 है, तो अगेन अब मैं इसमें ऐसे तो नहीं बोलूंगा दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल गिव रिमाइंडर एज विल लीव्स द रिमाइंडर एज माइनस 2, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं होता है, मैंने बोला क्या गलत है, डायरेक्टली लिखना कि दीज आर द नंबर्स, पहले ये भी लिखना दीज आर नंबर्स व्हेन डिवाइडेड
व्हेन डिवाइडेड बाय फाइव विल लीव्स रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस टू, गलत हो जाएगा। क्यों, रिमाइंडर क्या होगा अगर किसी नंबर को पांच से डिवाइड करते हैं, तो मैंने क्या बोला था रिमाइंडर की चार ही पॉसिबिलिटी है, जीरो वन टू थ्री फोर। तो अगेन फिर मैं क्या करूं, फिर मैं को ऐसा कुछ करना है कि इधर एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। अब देखो मैं कैसे एडजस्ट करूं, देखना ध्यान से, 5n, मैंने माइनस टू को क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस फाइव प्लस थ्री। देखो ये और ये सेम लिखा हुआ है, अब मैंने क्या किया इन दोनों टर्म को क्लब कर लिया, तो ये हो गया फाइव टाइम्स एन माइनस वन प्लस थ्री, और एन अगर इंटीजर है तो एन माइनस वन भी एक इंटीजर होगा, उसको के मान लिया तो हो गया फाइव के प्लस थ्री। तो फाइनली क्या निकला, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल लीव्स रिमाइंडर 3। तो रख के देख लो, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा 3, 2 रखो तो आएगा 8, फिर 13 एंड सो ऑन। दिख रहा है क्लियरली, अगर इन नंबर्स को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बच रहा है ना, तो करेक्ट फॉर्म आया हमारा, क्लियर है। तो नेगेटिव होगा तो ऐसे एडजस्ट करेंगे, क्लियर है। चलो और देख लेते इसका नेगेटिव वाले का एक आध एग्जाम्पल, और ठीक है। तो मैंने बोला दूसरा नंबर ले लेते हैं 7n माइनस 3, चलो माइनस 5 ले लिया। तो अगेन मैं इसको क्या नहीं बोलूंगा कि दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल लीव्स अ रिमाइंडर माइनस 5, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव तो होता नहीं है। तो फिर क्या करूंगा, इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि देखो एक्चुअली ये नंबर्स हैं क्या, पहले वो देख लेते हैं। 7n की जगह 1 रखा तो कहता है 7 माइनस 5 2, फिर आएगा 9, फिर आएगा 16 एंड सो ऑन। अब दिख रहा है इनको अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, इसको 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आएगा, इसको डिवाइड किया तो 14 चला जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो एक्चुअली तो ये नंबर्स वो है जिनको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, बट इस फॉर्म में तो मैं नहीं बोल पा रहा। द रीजन इज इधर नेगेटिव माइनस 5 लिखा है, फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव। तो क्या करें हम, माइनस 5 को क्या लिखूं, माइनस 7 प्लस 2, तो मैंने लिखा 7n माइनस 7 प्लस 2, अब करेक्ट लिखा है। अब इस 7 को इसके साथ क्लब कर लिया तो ये हो गया 7 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 7k प्लस 2। अब आ गया उस फॉर्म में हमारा, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल लीव्स रिमाइंडर 2, क्लियर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। इन चीज का ट्रिग्नोमेट्री में कैसे एप्लीकेशन होगा, वो जब हम लिखते हैं ना कि जैसे तुमने सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इसको जनरलाइज जब करते हैं हम तब इसका यूज आता है। तो होता क्या है, पहले मैं वो हल्का सा बता देता हूं। मैंने बोला जैसे इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स को मुझे जनरलाइज करना है तो क्या करूंगा मैं। इवन नंबर्स होते क्या है, पहले तो हमने लिख लिए 2, 4, नेगेटिव में भी होते हैं, नेगेटिव चलेगा, मैंने लिखा नहीं है एंड सो ऑन। अब मैंने क्या बोला, मुझे इवन नंबर्स को जनरलाइज करना है, और किस बेसिस पे, अभी जो मैंने पढ़ा उस बेसिस पे। तो क्या करूंगा मैं, ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है इवन नंबर्स की, कि ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं, ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2 विल लीव्स रिमाइंडर 0। अब मुझे पता है इसको उस फॉर्म में लिखना है, तो क्या होता है व्हेन डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2n प्लस रिमाइंडर 0, तो ये हो जाएगा मेरा 2n प्लस 0 आ गया। n की जगह 1 रखोगे ये, 2 रखोगे ये, 3 रखोगे ये। तो अब तुम्हें एकदम आना चाहिए, कभी भी मान लो मुझे इवन नंबर एज्यूम करने हैं तो वी शुड एज्यूम 2n, 2n प्लस 0 मतलब 2n, क्लियर है। अच्छा अब मैं ऑड नंबर पे आता हूं, ऑड नंबर्स पे। अब मैंने बोला ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि इनको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता है। क्या बोला, इवन नंबर्स को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है 1। तो मुझे इवन नंबर्स को जनरलाइज करना है तो क्या लिखूंगा मैं, इवन नंबर्स क्या है, जैसे मैंने पहले तो लिख लिया 1, 3, 5, 7, और नेगेटिव में भी आएंगे। तो मैंने बोला 2 से डिवाइड किया तो 2n, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो प्लस 1, बस ये हो गया मेरा जनरलाइज, क्लियर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसी को एक और फॉर्म में लिखेंगे जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है बुक्स में। एक तो ये लिखा, रख के देख लो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आया, n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आया, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ रहा है, ठीक है, मतलब करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑड नंबर्स। बट मैंने बोला इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे देखना, दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बराबर है, इक्विवेलेंट टू 2n माइनस 1, रख के देख लो। अब इधर n 0 से स्टार्ट किया था, इधर 1 से स्टार्ट कर लो, आएंगे तो ये सारे नंबर्स, 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा। सो अगेन ये जो नंबर्स हैं
ये जो नंबर्स हैं किस टाइप के नंबर्स हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय टू विल गिव्स रिमाइंडर वन। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर ये बराबर कैसे हैं, तो अगेन जो चीज मैंने तुम्हें अभी बताई थी, मैंने बोला 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 है, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2 विल लीव रिमाइंडर माइनस 1, बिकॉज रिमाइंडर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको माइनस 2 प्लस 1, मैंने लिखा 2n माइनस 2 प्लस 1। अब इस माइनस 2 को इसके साथ एडजस्ट कर दिया तो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1, इसको एक नया इंटीजर मान लिया k, तो ये हो गया 2k प्लस 1, अब करेक्ट सामने आ गया, अब ये किस फॉर्म में आ गया, दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1, वही तो होते हैं ऑड नंबर्स। तो हमें क्या याद रखना है इसमें, क्या कंक्लूड निकला, इसका और भी अभी ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, बट ये तो एक जनरलाइज मैंने लिखवाया है जो ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी यूज होगा, ये जब भी हमें इवन नंबर्स एज्यूम करने होंगे तो हम बोलेंगे 2n, ऑड नंबर करना होगा तो 2n प्लस 1, मतलब ऑड नंबर का टाइप क्या होगा 2n प्लस 1 टाइप के होंगे, इवन नंबर किस टाइप के होंगे 2n टाइप के होंगे, वेयर माय n इज इंटीजर। क्लियर है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, कि कहां काम आएगा, जब मैं अभी हिंट दे देता हूं तुम लोगों को, जैसे बहुत से लोगों को पता भी होगा, जब हम लिखते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तब ये चीज यूज होगी 2n और 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1। ठीक है, तो कल वो हम देखेंगे, ठीक है फिर, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट में, ठीक है ना, तो फील फ्री टू आस्क, पूछना है मुझे, ठीक है ना, और आज हमारा डाउट सेशन भी है, ठीक है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम अटेंड करें, और कोशिश करना कि जैसे 2 बजे चालू है हमारा, शायद टाइमिंग मेरे को एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा, 2 बजे है मान लिया, शायद ज्यादा 2 बजे ही है, तो कोशिश करना कि 1 बजे से पहले तुम लोग डाउट सेंड कर दो, ठीक है ना, और फिर हम उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है फिर बच्चों, ओके दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।